हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ नए इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड अननोन फैक्ट्स लेकर। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूले। कोविड पेंडेमिक में बच्चों को वीडियो गेम्स से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया है, या शायद ये कहना सही होगा कि आज के समय में जब भी कोई फ्री होता है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, वीडियो गेम खेलना ज्यादा प्रेफर करते हैं। कुछ रिसर्च के हिसाब से ये माना जाता है कि वीडियो गेम खेलने से आपकी आंखों और हाथ का जो कोऑर्डिनेशन है वो काफी स्ट्रांग होता है, डेप्थ परसेप्शन, आप कंप्यूटर पे भी काफी एक्टिवली काम कर सकते हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि जब 5-5 डॉक्टर्स की दो टीम बनाई गई और एक टीम को कहा गया कि हर हफ्ते कम से कम 3 घंटे आप वीडियो गेम खेलिए और दूसरी टीम को ये मना किया गया, तो सरप्राइजिंगली जिन डॉक्टर्स ने वीडियो गेम खेला था उन्होंने काफी एक्यूरेसी से सर्जरी की विदाउट एनी मिस्टेक, और दूसरी तरफ जिन डॉक्टर्स ने वीडियो गेम नहीं खेला था उन्होंने कुछ कुछ छोटी मोटी गलतियां जरूर की। यहाँ मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि ये सभी डॉक्टर्स इंटर्न्स थे, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड में थे, और ये जो सर्जरीज इन्होंने की थी ये सिर्फ एक मॉक या ट्रायल सर्जरीज थी। एंड में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि वीडियो गेम खेलने के फायदे तो कम है लेकिन नुकसान ज्यादा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि ये कंप्यूटर युग है, आपको कोई भी काम अगर जल्दी करना हो तो आप उसे कंप्यूटर से करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, कंप्यूटर का कीबोर्ड यूज करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यह कीबोर्ड आपको फास्ट करने की बजाय स्लो डाउन करने के लिए डिजाइन किया गया था? लेकिन क्या आपने अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड को करीब से ध्यान से देखा है? आपने शायद देखकर यही सोचा होगा कि जो लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, वो इन कीज में अलग अलग बिखरे से क्यों पड़े। एक्चुअली ये किसी भी तरह से रैंडम नहीं है। इन कीबोर्ड्स को क्वेरिटी डिजाइन के कीबोर्ड कहते हैं। क्वेरिटी मीन्स QWERTY, जो कि आपके कीबोर्ड के अपर लेफ्ट साइड के कीज हैं। इन कीबोर्ड्स का इन्वेंशन 1872 में टाइपराइटर्स के लिए किया गया था। इनिशियली कीबोर्ड्स में सारे लेटर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में ही अरेंज किए गए थे। टाइपिस्ट जो थे वो टाइपराइटर को रेगुलरली यूज करते थे, जिससे कि वे इन कीबोर्ड से काफी यूज टू हो चुके थे और वो बहुत ही फास्ट टाइपिंग करने लग गए थे, जिससे कि कई बार कीज के आपस में उलझ जाने से टाइपराइटर जाम हो जाते थे। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए क्वेरिटी कीबोर्ड्स का इजाद हुआ, जिसमें कि सारे लेटर्स नॉन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए गए। सभी क्वेरिटी कीबोर्ड्स की इतनी आदत सी हो गई है हम सभी को कि स्मार्टफोन में भी हम यही टाइप का कीबोर्ड यूज करते हैं। अगर यकीन नहीं है तो अपने मोबाइल का कीबोर्ड चेक कीजिए। अगर मैं ये कहूँ कि हम खाना, फूड आइटम्स को प्रिंट कर सकते हैं तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। अच्छा चलिए, आप मुझे ये बताइए कि जब कोई टीवी पर एक रेस्टोरेंट का अच्छा सा एड आता है जिसमें डिलीशियस फूड आइटम्स या कुछ रेसिपीज बताई जाती हैं, उसको देखने के बाद क्या आपको भी भूख लगती है? मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन जब आपको भूख लग रही होती है, सोफे से उतरने का मन बिल्कुल नहीं होता, ऐसे वक्त में आप क्या करना चाहेंगे? शायद उस एड में दिखाई गई वो डिलीशियस रेसिपी आप खाना चाहेंगे। तो उसके लिए आप उस इमेज को डाउनलोड करके प्रिंट क्यों नहीं कर लेते? हालांकि अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कुछ उद्यमी लोगों ने पूरे भोजन को प्रिंट करने के लिए 3D प्रिंटर की नई टेक्निक, जिसमें एक स्पेशल टाइप की इंक का यूज होता है, ऐसी टेक्निक उन्होंने बनाई है। और इस प्रिंटर की हेल्प से आप चॉकलेट, पिज्जा, पास्ता, ब्राउनी ऐसी चीजें भी प्रिंट कर सकते हैं, और वो प्रिंटेड इमेज एकदम ऐसी लगती है जैसे वो डिश आपके सामने रखी हुई हो। ये टेक्नोलॉजी तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन बहुत से लोगों को टीवी में किसी को भोजन करते हुए देखकर भूख लग ही जाती है। क्या आप भी उन्हीं में से एक हैं? कमेंट जरूर कीजिए। क्या आपने घोस्ट वर्ड शब्द सुना है? आपको ये सवाल थोड़ा सा बेतुका लग रहा हो, लेकिन घोस्ट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि बाय मिस्टेक ही क्रिएट होते हैं, जिनका कोई कल्चरल रेफरेंस नहीं होता या कोई रीजन नहीं होता, वो सिर्फ एक मिसप्रिंट की वजह से क्रिएट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो 1934 में वेबस्टर्स सेकेंड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी में एक वर्ड था डॉड, जो कि एक घोस्ट वर्ड था, मतलब मिसप्रिंट था। एक केमिस्ट्री एडिटर ने एक नोट लिखा था जिसमें एक वर्ड आया था डेंसिटी, DENSITY। जब किसी ने उसे गलत तरह से पढ़ा तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि डेंसिटी में कैपिटल डी है या स्मॉल डी है, तो उन्होंने उसके नीचे लिखा DORD। जब दोबारा किसी ने उस नोट को पढ़ा तब उन्हें लगा कि DORD इज अ न्यू वर्ड जिसका मतलब डेंसिटी होता है, तो उन्होंने वो वर्ड भी डिक्शनरी में ऐड कर दिया। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस छोटी सी मिस्टेक को सुधारने में 5 साल लग गए। तो अगर आपको भी ऐसे ही कोई घोस्ट वर्ड्स पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।
एक सिंपल सा टेस्ट करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपका जो डायमंड है वो असली है या नकली है। यह पता लगाने का एक आसान सा तरीका है। एक्चुअल में हीरे कार्बन से बने होते हैं जिनमें की काफी लो एटॉमिक रेट होता है, अप्रॉक्स 6 to 8 डिपेंडिंग ऑन ग्रेड। जितना कम एटॉमिक नंबर होगा उतना ही मुश्किल होगा एक एक्सरे मशीन के लिए उस डायमंड को रीड कर पाना। ज्यादातर एक्सरे मशीन्स फोटोन एनर्जी को यूज करके डिजाइन की गई है, इसीलिए वो कम एटॉमिक नंबर वाली चीजें जैसे कि कार्बन या पानी में ऑक्सीजन इन चीजों को नहीं डिटेक्ट कर पाती। लेकिन हड्डियों में मौजूद कैल्शियम, हथियारों में मौजूद मेटल्स, इन चीजों को वो आसानी से डिटेक्ट कर पाती है। तो अगर आपका डायमंड असली है तो वो एक्सरे मशीन में बिल्कुल भी नहीं दिखे। अगर यकीन नहीं है तो चेक कीजिए और मुझे कमेंट जरूर कीजिए। ये फैक्ट एगिटेरियंस के लिए, जो लोग अंडे खाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि क्या व्हाइट एग ज्यादा अच्छा होता है या ब्राउन एग? आप कहेंगे ब्राउन एग। क्यों? क्योंकि वो काफी कॉस्टली होता है, उसमें काफी सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, लेस अमाउंट ऑफ फैट होता है या बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल्स होती हैं। अच्छा, एक और सवाल का जवाब दीजिए कि ब्राउन ब्रेड ज्यादा बेहतर होती है या व्हाइट ब्रेड? तो आप कहेंगे ब्राउन व्हीट ब्रेड हमारे लिए ज्यादा हेल्दी होती है क्योंकि वो कॉस्टली होती है, तो शायद उसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशंस होंगे और हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी भी होगी। यहाँ एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जी हाँ, आप किसी भी प्रोडक्ट की शेल के कलर से उसकी न्यूट्रिशंस या क्वालिटी या फ्लेवर को नहीं जान सकते। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि ब्राउन एग इतना कॉस्टली क्यों होता है? वो कॉस्टली इसलिए होता है क्योंकि जो मुर्गियां ये अंडे देती हैं वो काफी बड़ी होती हैं, उन्हें ज्यादा अमाउंट में खाना चाहिए होता है जिससे कि उस एग की कंज्यूमर तक पहुंचने की कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो क्या आप ब्राउन ब्रेड या ब्राउन एग सिर्फ इसीलिए खाते हैं कि वो बहुत कॉस्टली है तो शायद उसमें हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, या आपको उसके पीछे कोई और रीजन पता है? कमेंट जरूर कीजिए। तो आज आपने कई अलग अलग तरह के अमेजिंग और अननोन फैक्ट्स देखे। इन सभी में से सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कौन सा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।